हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एम जे पैशन फॉर फूड। आई एम योर फ्रेंड जसप्रीत एंड गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ और वो है ओट्स एंड फ्लैक्स सीड्स बॉल्स। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बने हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक नॉनस्टिक पैन में हम 2 कप्स ऑफ प्लेन ओट्स डाल लेंगे और इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। जब इसमें से खुशबू आनी स्टार्ट हो जाए तो उस टाइम पे हम गैस फ्लेम को बंद कर देंगे और उसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे ठंडा करने के लिए। उसके बाद हम इसको डालेंगे एक मिक्सर जार में और इसे ग्राइंड कर लेंगे बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में। सेम पैन में अब हम डालेंगे 1/2 कप ऑफ फ्लैक्स सीड्स और इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे जब तक कि ये स्प्लटर ना करें। और उसके बाद इसको भी हम कोर्सली क्रश कर लेंगे मिक्सर जार में। साथ ही साथ सेम पैन में हम 10-12 आमंड्स ले लेंगे और उन्हें भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे और इसे भी कोर्सली पाउडर कर लेंगे। सेम पैन में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ क्लैरिफाइड बटर और इसको मेल्ट कर लेंगे और इसमें डाल देंगे 1.5 कप ऑफ ग्रेटेड जेगरी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि ये मेल्ट ना हो जाए। जब ये मेल्ट हो जाएगी तो उस टाइम पे हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ डेसिकेटेड कोकोनट और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्लेवर के लिए इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ऑफ कार्डेमम पाउडर, अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे ड्राई रोस्टेड फ्लैक्स सीड्स आमंड्स एंड ओट्स का पाउडर और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑफ मिल्क और इनको अच्छे से मिक्स करके गैस फ्लेम को बंद कर देंगे और एक प्लेट में इस मिक्सचर को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। हैंड्स को घी से ग्रीस करेंगे और इसके छोटे छोटे पोर्शंस लेकर हम बॉल्स बना लेंगे। ओट्स एंड फ्लैक्स सीड्स बॉल्स बिल्कुल तैयार हैं बनके। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।